It gave me inspiration to get there, and I have also a dream to win a World Cup for Team India. I think मैं उस time पे 10 या 11 साल का था, जितना मुझे ध्यान है, और मैं मेरी मम्मी के साथ टीवी के ऊपर गेम देख रहा था, और गेम इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गया था कि बहुत ज़्यादा घर में बैठे बैठे हाथ ठंडे होने लगे थे और बहुत एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया था. आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज वॉचिंग विथ माई डैड एट माई होम ओनली, सिंस माई डैड इज ऑल्सो वेरी क्रिकेट एंथुजियास्ट, सो यू नो वी लव टू वॉच गेम्स दैट टाइम टुगेदर. India's every game he watched it together, every time it was possible for him. मैं एक साइड में दुकान थी, वहाँ पर मैच देख रहा था. बहुत छोटा था मैं, बस मुझको ये पता था कि आज फाइनल है, ये नहीं पता था कि कौन जीतेगा कौन नहीं. बहुत छोटा सा था और प्लेयर्स के नाम भी नहीं जानता था जब जाता था. Was our first final like while growing up, so I still remember when we won the World Cup and Srishant caught that ball, and straight away I went outside with my friends and they all were celebrating, so I celebrated with them. We saw the whole city, you know, and the people driving with the flags on, and everybody was celebrating, so it was quite a emotional moment and also a very inspiring moment for us as youngsters to, you know, go out there and play for the country as well. जब मैं छोटा सा था तो यही सोचता था कि इंडियन टीम के लिए खेलना है, और फिर ऐसे अपनी टीम जीते तो बहुत अच्छा फील होता. फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप, सो इट वॉज वेरी इमोशनली फॉर ऑल द प्लेयर्स यंगस्टर्स. लाइक आई स्टिल रिमेंबर आई जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट दैट टाइम, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट वॉज वेरी इंस्पायरिंग मोमेंट फॉर मी. सरप्राइजली मैं एकदम चिल्लाया और भागा मैं घर के आंगन के अंदर, और सेलिब्रेट किया मैंने उस चीज़ को इसी तरह चिल्ला कर और भाग के. तो वो चीज़ मेरे लिए एकदम बहुत खुशी वाली चीज़ थी कि सडन वो मोमेंट में एकदम गेम चेंज हुआ और हम लोग वो गेम बिल्कुल लास्ट मोमेंट से हम लोग वो गेम जीते, तो मतलब कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था. There was a feeling of I want to be there as well, I want to get there, maybe not now, in the future sometime, and play for the country as well and then make the country proud. So every passing game we got the confidence, the way team and the boys were playing so fearlessly, I think that gave us as a fans very hope that yes, there's something exciting coming ahead.